तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर्स में, जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे थे, इलिमिनेशन ऑफ आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट की बात करना था, ठीक है। तो इलिमिनेशन ऑफ आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट हम लोग हेडिंग डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इलिमिनेशन ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट में हम लोगों ने किया क्या था? तो यहाँ पर कुछ हमारे पास इस टाइप के, दो टाइप के हमारे पास आ रहे थे कि इफ़ यहाँ पर कंडीशन थी, इफ़ कैपिटल एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड ए कामा बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या थे, दो हमारे पास क्या थे, आर्बिटेरी कांस्टेंट थे, और इन आर्बिटेरी कांस्टेंट को हमें क्या करना था, रिमूव करना था, इलिमिनेट करना था। तो अगर हमें इन दोनों आर्बिटरी कांस्टेंट को इलिमिनेट करना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक से कि हमें यहाँ पर जितने हमारे पास कांस्टेंट होंगे उतने टाइम हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो अगर हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था, पहले हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर वहाँ से उन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और ए और बी को इलिमिनेट करना होगा। कॉन्सेप्ट क्या होगा कि कुछ भी करके सर हमें यहाँ पर ए और बी को इलिमिनेट करके दोनों, दो इक्वेशंस बनेंगी, है ना। तो देखिए कुछ इस टाइप से बनेगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है। तो जब इसको आप पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर, जैसे आप इसको करोगे, सिंपल आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल का एफ एक्स। अब देखिए जब यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, और यहाँ पर डेल जेड बाई डेल एक्स होगा, और जो डेल जेड बाई डेल एक्स होगा वो सिंपल क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा, और यहाँ पर ए कामा बी रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अब चाहो तो इसको इक्वेशन एक बना लेना, इसको आप इक्वेशन सेकेंड बना लेना, और फिर आपको क्या करना है, फिर इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई भी करना है। तो यहाँ पर अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल का एफ एक्स वाई यहाँ पर क्यू हो जाएगा, क्यू ए कामा बी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड और थर्ड, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना होगा, इक्वेशन मतलब हमें ए और बी को, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ए और बी को कुछ भी करके इलिमिनेट कर देना है। तो कुछ भी आप करके इन दोनों को क्या करोगे, दोनों इक्वेशन से ए और बी को हटाना है। तो सिंपल कुछ हमें क्या मिलना चाहिए, कुछ इस टाइप से हमें आ जाना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड पी कामा क्यू इज इक्वल टू 0 टाइप का, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे एलिमिनेशन ऑफ आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट बोलेंगे, ठीक है। चलिए, जैसा कि हमने एक क्वेश्चन लिया था, और क्या था क्वेश्चन, उसको फिर से अपन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन कुछ हमने ऐसा लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन था एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, ठीक है। और यहां पर क्वेश्चन में क्या था, इलिमिनेट ए एंड बी, ए और बी को क्या करना था भैया, इलिमिनेट करना था। तो सिंपल सा लॉजिक्स लगाना है कि हमें क्या करना है, कितने कॉन्स्टेंट है भैया, दो कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब कितने टाइम डेरिवेट करोगे, दो बार करोगे। चले अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आप पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसके सोल्यूशंस पर हम लोग बात करते हैं,
कि पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो आपके पास यहां पर टू एक्स माइनस का ए और एक्स माइनस ए का करोगे तो वन आ जाएगा, सही है भैया। चलो अब वाई वाले का अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जेड वाले का क्या हो जाएगा, अपने पास टू जेड और डेल जेड बाई डेल जेड बाई डेल एक्स क्या होता है भैया, पी होता है, और डेल जेड अपॉन डेल वाई जो होता है वो आपके पास क्यू होता है, सही है। चलो इसका मतलब यहाँ पर पी आ जाएगा और इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सही है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स माइनस ए की। जब भी आपको ब्रेकेट जैसा ऐसा दिखे तो पूरा आप वैल्यू निकाल लो, क्या करो पूरा निकाल लो, ठीक है। तो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू क्या कर दोगे, यहाँ से माइनस का जेड पी आपको मिल जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। अब चाहो तो इसको क्या बना लो, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लेना, तो ये जो आया इसको आप सेकेंड बनाओगे, फिर अगेन आप क्या करोगे, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, वी गेट। तो हमें यहां से क्या मिलेगा भैया, देख लेते हैं क्या मिलता है। जैसे हम वाई के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा, यहां पर अपने पास क्या आएगा, टू टाइम्स वाई माइनस का भी आएगा, है ना। और क्या आ जाएगा आपके पास, टू जेड क्यू आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहाँ से अपन y माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का जेड क्यू आ जाएगा, दैट इज सिंपल। इसको आप थर्ड बना लेना, ठीक है। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड पर आप चले जाओ, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को क्या करो, स्क्वायरिंग यहाँ पर y, यहाँ पर x माइनस ए की वैल्यू रख दो, यहाँ पर आप क्या रख दो, y माइनस बी की वैल्यू रख दो। क्योंकि हमें क्या करना था भैया, हमें तो a और b को इलिमिनेट करना था, तो हमारा तो काम हो जाएगा ना, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इक्वेशन, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। जैसे अपन वैल्यू पुट करेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ जाएगा। और जेड स्क्वायर अपन कॉमन कर लोगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का वन इज इक्वल टू वन। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट करने के बाद इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगेन दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस का ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का बी है, ठीक है भैया। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वही करना है, इलिमिनेट ए एंड बी, है ना, इलिमिनेट ए एंड बी। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या है, हमारे पास है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस का ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का बी है, मतलब दो आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब दो तो दो बार तो होना ही है, क्या होगा, दो बार तो डिफरेंशिएशन होना ही होना है, कुछ भी हो करके पार्शियली, है ना। तो अगर हम इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो अगर आप इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो यहाँ पर आएगा पी, है ना, और ये हो जाएगा वन, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, टू ए एक्स वाई स्क्वायर आएगा, और ये तो बी कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, सही है। अब चाहो तो इसको इक्वेशन एक बना लेना, इसको आप सेकेंड बना लेना, और जब आप पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई आएगा, तो दैट इज क्यू बन जाएगा, और यहाँ पर ये जीरो बन जाएगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में करोगे। आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, टू ए एक्स स्क्वायर वाई, है ना। अब आपको करना क्या है, अगर हमें इलिमिनेट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोथ साइड, अगर मैं यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या है, ये ए ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, टू ए एक्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हमें इलिमिनेट करना तो सिंपल हम लॉजिक से यहाँ पर लगा सकते हैं, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है कि देन
इक्वेशन सेकेंड में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, और माइनस कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई से, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो जैसे आप इक्वेशन सेकेंड में एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज आपके पास ये आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का टू ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसमें आप वाई से करोगे तो दैट इज क्यू वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा टू ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। और जैसे अपन इसको क्या करना है, सबट्रैक कर देना है। तो जब आप इसको सबट्रैक करोगे तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, पी एक्स माइनस का क्यू वाई, और इससे ये कैंसिल आउट होकर के आपको यहाँ एक्स दे देगा। तो दिस इज ए फाइनल आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, पी एक्स माइनस का क्यू वाई दैट इज इक्वल टू एक्स। तो आपके पास ए और बी इलिमिनेट हो गए, अगर ए और बी इलिमिनेट हो गए दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है कि जेड स्क्वायर वन प्लस का ए क्यूब इज इक्वल टू एट टाइम एक्स प्लस का ए वाई प्लस का बी का होल क्यूब है, ठीक है। ये आपके पास आया है गेट 2007 में आया है। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवेन है कि जेड इज इक्वल टू पी स्क्वायर या प्लस क्यू स्क्वायर होगा। सेकेंड ऑप्शंस गिवेन है कि जेड इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस का क्यू क्यूब होगा। थर्ड ऑप्शन है आपके पास कि 27 जेड इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कि 27 जेड इज इक्वल टू पी क्यू प्लस का क्यू क्यूब होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करना है। तो क्वेश्चंस अच्छा है, बढ़िया है। तो सिंपल आपके पास क्या गिवन है, सॉल्यूशंस की अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, तो आप क्या करोगे, तो आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है कि जेड स्क्वायर प्लस का वन अप प्लस का क्यू इज इक्वल टू एट टाइम्स एक्स प्लस का ए वाई प्लस का बी का होल क्यूब, है ना भैया, यही तो गिवन है। चलो अगर ये गिवन है तो हमें क्या करना है, कितने कांस्टेंट आपके पास, एक ही है, एक ही है, मतलब दो कांस्टेंट है, इसका मतलब दो बार तो डिफरेंशिएशन तय है, है ना। तो अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल करता हूँ तो यहाँ पर आएगा पहले तो टू जेड आएगा और डेल जेड बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। और ये तो वन प्लस ए क्यूब क्या है भैया, कॉन्स्टेंट है, एज इट इज रहेगा। यहाँ पर जब आप करोगे थ्री इसके पावर से हटेगा तो 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स प्लस का ए वाई और प्लस का भी, फिर इस अंदर वाले का जब एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे इधर के सारे जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर वन आ जाएगा, सही है, है ना। यहाँ पर होल स्क्वायर भी रहेगा क्योंकि इसकी पावर एक कम होगी, एन एक्स एन माइनस वन होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं यहाँ से। अब इसको अगर आप कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप फर्स्ट बना लेना और इसको सेकेंड इक्वेशन बना लेना। अब पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेना, तो पार्शियली जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो टू जेड क्यू आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस का ए क्यू इज इक्वल टू ये फिर से आएगा 24, ये हो जाएगा एक्स प्लस का ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इन टू ए आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, वाई का वन हो जाएगा और इन टू ए बचेगा, सही है। चलो इसको थर्ड इक्वेशन बना लो। भैया क्या करते हैं इसमें, थोड़ा सा हम लोग कुछ माइंड गेम खेलते हैं कि हमें क्या करना, हमें तो ए और बी को इलिमिनेट करना, हमारा कॉन्सेप्ट यही है। तो हम थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं। देखो इधर अगर मैं डिवाइड करूंगा कि सेकेंड डिवाइड इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, वी गेट, सही है। तो जैसे अपन डिवाइड करेंगे टू जेड कट जाएगा, यहाँ पर एक वन प्लस ए क्यूब वन प्लस ए क्यूब कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा पी अपान क्यू इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पर क्या आएगा 24 से 24 कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर आएगा वन अपान ए आ जाएगा, सही है भैया। अगर यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो तो आपके पास ए क्या आ जाएगा, सिंपल यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई पी हो जाएगी, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगी, है ना। तो आपने ए की वैल्यू निकाला, है ना। अब क्या करते हैं, फिर से हम लोग थोड़ा सा माइंड गेम खेलते हैं। इस बार क्या करते हैं, जो आपके पास ये है फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो देखिए क्या मिलता है।
तो अगर आप ऐसा करते हो कि डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकेंड, वी गेट, देखिए क्या मिलता है। जैसे इसमें डिवाइड करोगे तो वन अपान में क्या आएगा, जेड पी बचेगा, वन अपान यहाँ पर आपके पास क्या, ये जेड स्क्वायर था, ऊपर जेड बचेगा, नीचे टू पी बचेगा, तो जेड बाई टू पी बचेगा, सही है भैया। और इधर आपके पास वन बाई थ्री बचेगा, और क्या बचेगा उसकी, इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस का ए वाई प्लस का बी आएगा, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन यहाँ से वैल्यू निकालते हैं किसकी, एक्स प्लस का ए वाई प्लस का बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री जेड बाई टू पी आएगा, सही है ना। अब देखो यहाँ पर इसके स्थान पे इसकी वैल्यू रख दो और एक स्थान पे ये वाली वैल्यू रख दो, जैसे अपन वैल्यू रखते हैं आपको आंसर मिल जाएगा। इसके स्थान पर आपने इसकी वैल्यू निकाला है, ये जो आपने वैल्यू निकाला और ये जो आपने निकाला, पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो वैल्यू पुट, सो द वैल्यू पुट इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो जैसे अपन पुट करते हैं देखते हैं क्या आता है रिजल्ट्स। तो क्वेश्चंस में क्या था अपने पास, क्वेश्चंस में था कि जेड स्क्वायर था, ठीक है, तो जेड स्क्वायर तो रहेगा, उसके बाद था वन प्लस का ए क्यूब था, ए क्यूब की वैल्यू, ए की वैल्यू आपने क्या निकाला, ए की वैल्यू आपने क्यू बाई पी निकाला है, तो क्यू क्यूब बाई पी क्यूब हो जाएगा, सही है, इज इक्वल टू एट टाइम था, एट तो रहेगा, उसके बाद आपने वैल्यू निकाला एक्स प्लस का ए वाई प्लस बी की वैल्यू, और वहाँ पर क्या था, होल क्यूब था, तो क्या आया था आपके पास, इसकी वैल्यू आई थी थ्री जेड अपान टू पी आया था, उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, तो सिंपल ये हो जाएगा कि जेड स्क्वायर वन प्लस का क्यू क्यूब अपान पी क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 27 जेड स्क्वायर इंटू, इसको जेड कर लेते हैं, अपान में क्या हो जाएगा, 8 पी क्यूब हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसकी इधर से इसकी जेड स्क्वायर कट जाएगा, सही है भैया। यहाँ पर एलसीएम कर लो, पी क्यूब प्लस का क्यू क्यूब अपान पी क्यूब इज इक्वल टू 27 जेड बाई पी क्यूब, इससे ये कट जाएगा, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इज इक्वल टू 27 जेड। चूंकि यहाँ से हमें क्या करना था, इलिमिनेट करना था, ऑप्शंस देख लो कौन सा ऑप्शंस करेक्ट था, तो 27 जेड इज इक्वल टू पी क्यू प्लस की क्यू, मे बी फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट, है ना, यही तो है। चलो आपका ये हो गया, चूंकि देख लो आपके गेट 2017 में पूछा गया था मे बी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट, फर्स्ट नोट पॉइंट है कि बाय इलिमिनेटिंग ऑर्बिटेरी कॉन्स्टेंट देन we will be get both non-linear and quasi-linear पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैंने क्या लिखा है कि बाय इलिमिनेटिंग, अगर आप आर्बिटेरी कांस्टेंट को इलिमिनेट करते हो, देन वी गेट जो आपको मिलेगा बोथ या तो नॉन लीनियर होगा या फिर कॉसी लीनियर होगा, ठीक है। सेकेंड यहां पर पॉइंट है
कि इफ नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन वी हैव यूनिक सोल्यूशन. क्या मिलेगा आपको? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा. थर्ड पॉइंट है कि इफ नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इंप्लाई मोर देन वन सोल्यूशन. ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा होगा? अगर नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट लेस देन हो जाए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो आपके पास क्या मिलेगा? मोर देन वन सोल्यूशन मिलेगा. ठीक है, तो जैसा इसी पर हम लोग एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसी के बेस पर एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कितने सोल्यूशन बनते हैं. मोर देन वन सोल्यूशन आना चाहिए, है ना? तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं. और चूंकि यहाँ पर क्या करेंगे, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर करेंगे तो आएगा टू जेड पी, और यहाँ पर आ जाएगा टू ए स्क्वायर एक्स, और ये जीरो हो जाएगा, है ना? तो अगर हम लोग देखें यहाँ से तो आपके पास क्या आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर की वैल्यू निकालें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, टू से टू तो कट जाएगा, जेड पी बाई एक्स आएगा, और ए अगर निकालें तो क्या होगा, ये अंडर रूट पॉजिटिव लेते हैं तो जेड पी बाई एक्स ले लेते हैं, अंडर रूट ऑफ जेड पी बाई एक्स आएगा. सही है भैया, है ना? यहाँ तक ठीक है. चलो, अब आपने यहाँ पर जो किया था पार्शियल किया था, है ना? तो अगर आपने इसको पार्शियल किया था और यहाँ पर अगर आप वैल्यू रख दो, यहाँ पर आपको चूंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है तो आप एक ही वैल्यू लाओ यहाँ पर रख दो, तो पहला तो एक सोल्यूशन इधर से मिल जाएगा कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पी बाई एक्स हो जाएगा, है ना? टू पी बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसकी एक पावर कट जाएगी, तो यहाँ से जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टू पी एक्स प्लस का वाई स्क्वायर आएगा. तो एक तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, और एक जब आप यहाँ पर रख देते तो भी आपको मिल जाता, है ना? क्या मिल जाता वो देखिए आपके पास, कि यहाँ से देखिए ये हो जाता ए स्क्वायर, यहीं पर आप रख दो वैल्यू, तो आपके पास क्या है, टू जेड पी इज इक्वल टू क्या है, टू ए स्क्वायर एक्स था, और ए की वैल्यू उठा के यहीं रख दो, उठाओगे तो आपके पास टू जेड पी इज इक्वल टू यहाँ से ए स्क्वायर एक्स, यहीं से निकाल दो, ए स्क्वायर एक्स क्या होगा, जेड पी हो जाएगा. यहाँ से क्या आ जाता, या फिर इसको हम लोग ले सकते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास, वाई बन जाता, है ना? यहाँ से क्या आ जाता, ये वाई आ जाता, तो आपके पास यहाँ से एक सोल्यूशन बन जाता, टू जेड पी इज इक्वल टू टू वाई आता, तो यहाँ से जो जेड पी आता वो वाई के इक्वल आ जाता, तो यहाँ से आपको एक सोल्यूशन मिल जाता. सही है, कैसे सर आपने किया ये? देखो यहाँ से अगर इसको पार्शियली, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू अगर वाई हम इसको करेंगे तो यहाँ क्यों आएगा,
इसको इसका कोई जरूरत नहीं, इसका हमने काम कर लिया। हाँ, तो जब आपने इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो यहाँ पर आया टू जेड क्यू आएगा, यहाँ पर ये जीरो हो जाएंगे और ये टू वाई आ जाएगा। तो देखो यहाँ से टू से टू कट जाएगा, जेड टू इसको टू वाई आ जाएगा, एक तो यहाँ से मिल जाता, सही है भैया, और एक यहाँ से मिल जाता। तो मोर देन मैंने बात किया था, मोर देन वन सोल्यूशन तो आएंगे, तो दो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ना। तो अगर आपके पास, क्या मैंने बोला था कि नंबर ऑफ आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट जो हो लेस देन हो जाए किससे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कितने हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहाँ पर एक से ज़्यादा है ना, इससे इसमें एक ही है, इसमें दो है, तो आपके पास क्या आ जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा, मोर देन वन सोल्यूशन तो आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ नंबर ऑफ ऑर्बिटेरी कॉन्स्टेंट ग्रेटर देन हो जाए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बड़ा हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि अभी पिछले वाले में क्या था, नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट लेस देन था, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादा था, तो मोर देन वन सोल्यूशन आ रहा था, बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हो, एक्स अपान ए ले लो, वाई बाई बी, जेड बाई सी इज इक्वल टू वन ले लो। ठीक है, अब आप इसका अगर पार्शियल करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर वन बाई ए आएगा, यहाँ से आ जाएगा ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, पी बाई सी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो वन बाई ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का पी बाई सी आएगा, और सी अपान ए करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का पी आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेना। सेकेंड पर हम लोग आते हैं पार्शियल, चूँकि यहाँ पर तीन हमारे पास क्या हैं, आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट ज़्यादा हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल बट आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट तीन हैं, सही है भैया। चलो देख लेते हैं, जब हम इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो एक्स वाला जीरो हो गया, वाई वाले से क्या आया, वन अपन भी आया, और जेड वाले से क्या आ जाएगा, क्यू बाई सी, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस का क्यू बाई सी, दैट विच सी बाई बी इज इक्वल टू माइनस का क्यू। इसको आप बना लो इक्वेशन सेकेंड, है ना। और हम करते क्या हैं, इक्वेशन फर्स्ट में क्योंकि हमारे पास तीन आर्बिटेरी कांस्टेंट, हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हम क्या करते किसी एक को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हम इसी फर्स्ट वाले को कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, किसको कर रहे हो, फर्स्ट वाले को कर रहे हो, तो वी गेट हमारे पास क्या मिलेगा, जैसे आप करोगे ये वाला जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये आपके पास पी अपान सी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेल पी अपान डेल एक्स क्या होता है भैया, आर होता है, और डेल क्यू बाई डेल वाई जो होता है वो टी के इक्वल आता है ना, जिसे हम लोग यहाँ पर अगर बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं, जेड एक्स एक्स बोलते हैं, दैट इज आर बोलते हैं, और जेड वाई वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं, और जेड एक्स वाई को हम लोग क्या बोलते थे भैया, एस बोलते थे, है ना, वही है बेसिकली। और डेल जेड बाई डेल एक्स को हम लोग पी बोलते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम लोग क्यू बोलते हैं, सही है भैया, है ना। चलो अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर मैंने इसको किया यहाँ से, यहाँ से तो आपके पास क्या आ गया, जैसे आपने किया ये जीरो हो गया, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर पी का करोगे तो डेल पी बाई डेल डेल एक्स क्या होगा, आर देगा, ये हो जाएगा जीरो प्लस का आर बाई सी, दैट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा।
तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज सिंपल जीरो आ जाएगी, है ना, कोई दिक्कत है क्या? और जब मैं डिफरेंशिएट सेकेंड वाले को करूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगेन सेकेंड इक्वेशंस को कर रहा हूँ, तो वी गेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन ये है हमारे पास, इसको अपन करेंगे ये भी जीरो आ जाएगा, क्यों, ये आपके पास क्या आ जाएगा, टी बाई सी इज इक्वल टू जीरो, तो दैट इज यहाँ से टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सही है ना। और जब किसी एक को वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कर दोगे, ये एक्स के रिस्पेक्ट में पहले से था, और जब इसको अगेन वाई के रिस्पेक्ट में कर दोगे इसी वाले को, फर्स्ट वाले को, तो आपके पास इसको अगेन हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देते हैं, जैसे करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एस बाई सी दैट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से एस भी जीरो हो गया, आर भी जीरो हो गया, टी भी जीरो हो गया, एस भी जीरो हो गया, है ना भैया। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, थ्री आपको मिल गए, है ना। तो यहाँ पर कितने मिल जाएंगे, नंबर ऑफ आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो जितने आपके पास आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट थे उतने आपके यहाँ पर सोल्यूशंस मिले या नहीं मिले, तीन मिल गए हमारे पास, है ना। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि एलिमिनेशन ऑफ आर्बिटेरी फंक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। सही है भैया, चलो देख लो क्या आता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इस वाले केस के लिए हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट है कि इफ यू एंड बी, कोई आपके पास क्या है, आर फंक्शन ऑफ, किसके फंक्शन है, एक्स वाई और जेड के फंक्शन है, एंड कैपिटल एफ इज ए फंक्शन ऑफ यू कामा बी, एंड ऑफ द फॉर्म कैपिटल एफ ऑफ यू कामा बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये कुछ ऐसा है कि जो कैपिटल एफ है वो किसका फंक्शन है, यू एंड वी का, यू एंड वी का फंक्शन है, और यू जो है, यू एंड वी किसके फंक्शन है, एक्स वाई और जेड के फंक्शन है, यही तो बता रहा है, एक्स वाई और जेड के फंक्शन है, और जेड किसका फंक्शन होगा, एक्स एंड वाई का फंक्शन होगा। इसी तरह वी भी है, ये भी आपके पास किसका, एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, और जेड जो होगा भैया वो एक्स एंड वाई का फंक्शन होगा, है ना। यही तो बोल रहा है कि इफ यू एंड बी आर ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, एंड यू इज ए यू एंड बी इज ए फंक्शन ऑफ किसके, एक्स वाई के फंक्शन होंगे, यूज भी होंगे जो, है ना, चूंकि यू जो है, यू और बी किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड के फंक्शन है, और कैपिटल एफ किसका है, यू और बी का है, तो कैपिटल एफ यू और बी का है, तो यू किसके हैं, एक्स वाई जेड के हैं, तो जेड किसका होगा, एक्स और वाई का होगा, सही है ना। चलो अब आगे करना क्या है, इसमें हमें एफ ऑफ यू कामा वी को जीरो लाना है, है ना। एफ ऑफ यू कामा वी हमारे पास क्या है, यहाँ पर किस फॉर्म का है, एफ ऑफ यू कामा वी जीरो फॉर्म का होगा, सही है। चलो तो अगर कैपिटल एफ ऑफ यू कामा वी जीरो है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्शियल इसका करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं पहले, तो डिफरेंशिएट, न्यू स्लाइड पर आते हैं, हमारे पास क्या था, कैपिटल एफ ऑफ यू कामा वी इज इक्वल टू जीरो है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, जैसे हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो देखिए आपके पास यहाँ से क्या आता है,
ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे चैन बनी हुई है, एफ जो था वो फंक्शन किसका था, यू और वी का था, और यू जो था वो भी फंक्शन एक्स वाई और जेड का था, और जेड जो था वो एक्स एंड वाई का था। इसी तरह वी का था चैन, ये आपके पास क्या था, एक्स वाई जेड का था, और जेड जो था वो एक्स एंड वाई का फंक्शन था। सही है भैया, ऐसे ही तो चैन बनी हुई थी। चलो जब आप इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट एक्स करोगे तो यू के लिए पहले करो, फिर अगेन वी के लिए आपको करना पड़ेगा। तो यू के लिए जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले एफ का करोगे, एफ का करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल यू आएगा। फिर आपको किसका करना पड़ेगा, यू के पर आओगे तो यू का करोगे तो भैया क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स करोगे, है ना। अब यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, तो प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल जेड करोगे, है ना, डेल यू बाई डेल जेड करोगे, और डेल जेड बाई क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। सही है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आप इसके लिए करोगे, वी के लिए करोगे तो कैपिटल डेल एफ अपॉन डेल वी, वी के रिस्पेक्ट में करोगे तो वी आएगा, और ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स प्लस का डेल वी बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, दैट इज दोनों के टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास जीरो आएगा। सही है ना, सही है या नहीं। से डेल यू बाई एक्स को एक्स के लिए किया, क्योंकि हमने क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट तो डेल एफ बाई डेल यू करा, और फिर यू का किया डेल यू बाई डेल एक्स किया, है ना। फिर यू का हो गया तो हमने यहाँ पर आया, ये आपके पास क्या हो गया, क्योंकि ये आपके पास जेड जो था वो फंक्शन ऑफ एक्स का मवाई है, है ना। तो फिर हमने किया डेल यू बाई डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में किया, और जेड किसका फंक्शन है, एक्स का, तो इसको एक्स में किया, जेड को हमें एक्स में करना था, है ना। सही है, ओके। चलो फिर हम लोग इसी तरह क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा डेल एफ अपॉन डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस का डेल यू बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, माइनस आ जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट राइट में शिफ्ट करोगे, डेल एफ अपॉन डेल वी और डेल वी बाई डेल एक्स होगा, और फिर आपने क्या किया, वी का जेड में किया और जेड का किसके एक्स में किया, पार्शल, यही तो किया है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल वी बाई डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वी का आपने जेड में किया और जेड क्या था, फंक्शन आप एक्स वाई ऑलरेडी है, तो इसका हो जाएगा सही। तो अब जो ये आया है, चूंकि हम इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, सही है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लो, सेकेंड बनाओ, इसको फर्स्ट बनाओ। अब आपको एक्स के जैसे किया ऐसे आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी गेट, देखिए हमें क्या मिलता है। अब जब वाई के लिए आप करोगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा भैया, डेल एफ अपान डेल यू के लिए आप करोगे, डेल एफ अपान डेल यू करोगे, फिर आपको कहाँ पर जाना, चूँकि हमें लाना कहाँ तक, वाई तक हमें जाना है, वाई को हमें करना है, तो डेल एफ अपान डेल यू करोगे। देखो यहाँ पर जब आपने किया होगा तो ये जीरो हो गया होगा, ये जीरो हो गया था, ये जीरो हो गया तो इसका हुआ था, इसके बाद आपके पास क्या आया था, यहाँ पर इसका हो गया था, है ना, इसका आपके क्या एक्स का हो गया था, बाकी इधर आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास जीरो हो गया होगा, इसका इसका आपने किया होगा वन आया होगा, यहाँ पर डेल जेड बाई डेल एक्स, ये तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, सही है, तो इसलिए नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए डेल एफ अपान डेल यू, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, अब u का आपने किया तो डेल u अपॉन डेल y करोगे, यहाँ पर आओगे, डेल u का किसके रिस्पेक्ट में करोगे, y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो ना, तो u का y के रिस्पेक्ट में करोगे, x और x तो हट जाएगा, है ना, जीरो चला जाएगा, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, डेल u और उसको z के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, z z के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो z कर डेल u प्लस लगाओगे,
है ना, वो एक्स वाला तो घट गया, वो जीरो हो गया, तो इसलिए प्लस उसका कोई मतलब नहीं है। फिर डेल यू बाई डेल जेड किया, और फिर जो जेड आया, जेड को आपको किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, वाई के रिस्पेक्ट में करना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जेड क्या फंक्शन आप एक्स एंड वाई का, एक्स वाला तो जीरो हो गया, वाई वाला तो रहेगा ना, यहाँ से क्या आ जाएगा डेल जेड अपान डेल वाई आ जाता है। सो समझ में आ रहा है, ऐसे ही होता है। फिर आपने क्या किया, डेल एफ अपान डेल वी आपने किया, प्लस लगाना, क्योंकि ये दोनों चैन से जुड़े हुए हैं, यू और वी हैं, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ा। फिर आपके पास कहाँ तक आया, डेल वी को आपने वाई के रिस्पेक्ट में किया, और जैसे वी को वाई के रिस्पेक्ट में किया, एक्स तो जीरो हो गया, यहाँ पर जेड पर आओगे। फिर आपने क्या किया, डेल वी अपन डेल वाई किया, फिर डेल वी को जेड के रिस्पेक्ट में आपने किया, है ना, और जेड जो जेड क्या हो गया फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई था, एक्स तो जीरो हो गया, वाई वाला तो बचा था ना, तो डेल डेल जेड अपन डेल वाई हो गया, सही है। चलो भैया, अब आप इसको चाहो तो इसको भी लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से आ गया डेल एफ अपान डेल यू, और डेल यू अपान डेल वाई प्लस का डेल यू बाई डेल जेड इंटू डेल जेड अपान डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल एफ अपान डेल वी, और डेल वी बाई अपान डेल वाई प्लस का डेल वी बाई डेल जेड इंटू डेल डेल जेड अपान डेल वाई, है ना, यही आएगा, सही है। इसको थर्ड इक्वेशंस बना लो, ये आपके पास, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एफ यू लिख एफ एक्स लिख सकते हैं। अगर हम इसका नेमिंग करें तो सिंपली हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेल एफ अपॉन डेल यू यहाँ पर दोनों तरफ में था, देखो यहाँ पर ध्यान से समझ लेना कि जब मैंने इसमें इसको डिवाइड करूँगा तो ये वाला कट जाएगा, इधर से ये वाला माइनस माइनस कट जाएगा, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू यू एक्स लिख सकते हैं, इसको यू जेड लिख सकते हैं, इसको जेड एक्स लिख सकते हैं ना, तो ऐसे नेमिंग कर लेते हैं इससे थोड़ा हो जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड सेकेंड वी गेट, तो आपके पास क्या आएगा, यू एक्स आएगा, प्लस लगाओगे यू जेड रहेगा इंटू जेड एक्स रहेगा, अपान में क्या आएगा आपके पास, यू वाई आएगा प्लस का यू जेड आएगा इंटू जेड वाई आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, वी एक्स इधर आएगा, वी जेड इंटू यहाँ पर जेड एक्स आएगा, डिवाइडिंग बाई वी वाई वी जेड इंटू जेड वाई, सही है। अब ये अगर हम लोग देखें कि इसको हम लोग क्या लिखते हैं, देखो ये क्या है, ये है डेल जेड अपॉन डेल वाई दैट इज क्यू, ये क्या है डेल जेड बाई डेल एक्स दैट इज पी, सही है ना, तो लिख दो जिसको मिल रहा है जिसकी वैल्यू, ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये यू एक्स हो जाएगा, यू जेड हो जाएगा इंटू पी अपान में यू वाई, यू जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू वी एक्स वी जेड इंटू पी अपान में आपके पास क्या आ गया, वी वाई वी जेड इंटू क्यू। अब आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या आ जाएगा, इसका इसका करना है तो इधर से मैं करता स्टार्ट करता हूँ, तो आपके पास आएगा यू एक्स वी वाई यू एक्स वी जेड इंटू क्यू प्लस का इसका कर देना, तो आएगा आपके पास यू जेड वी वाई इंटू पी प्लस का यू जेड वी जेड इंटू पी क्यू, सही है। इसका इधर से कर दो तो यू वाई वी एक्स प्लस का यू वाई वी जेड इंटू पी प्लस का यू जेड वी एक्स इंटू क्यू प्लस का यू जेड वी जेड पी क्यू, यही आएगा। चलो देख लो कुछ कट रहा होगा, हो रहा है, यहाँ पर देखो यू जेड वी जेड, यहाँ पर भी यू जेड वी जेड पी क्यू,
जो कट रहा है कट कर दो, बाकी आपके 6 टर्म बच रहे हैं। अब आप इसको अरेंज कर लो, यहाँ पर देखो यू एक्स वी वाई है और यहाँ पर क्या है यू वाई वी एक्स है, इसको एक तरफ कर लो। तो यू एक्स वी वाई और क्या है वी एक्स, ये यू वाई वी एक्स या वी एक्स यू वाई इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा इसको आप राइट साइड शिफ्ट कर दो सबको। तो देख लो पी वाले को पी के साथ कर लो, तो पी कॉमन करोगे तो यहाँ पर क्या है ये आपके पास क्या है वी जेड यू वाई वी जेड, यू वाई वी जेड इधर से जाएगा तो आएगा यू जेड वी वाई, और प्लस का क्यू कॉमन करोगे तो यू जेड वी एक्स माइनस का यू एक्स वी जेड, ठीक है यही मिलेगा। चलो ये आपके पास जो मिला, ये आपके पास जो मिला और ये आपके पास कुछ कैसा दिख रहा है, अगर आप इसको देखो तो आपके पास कुछ ऐसा दिख रहा है कि पी पी कैपिटल पी एक्स वाई जेड है ना, और ये क्या है कैपिटल स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एक्स वाई जेड है ना, और इधर वाले को हम लोग अगर लिखें तो आर ऑफ एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। तो कुछ ही आपको दिख रहा है ना कोसी लीनियर, क्या लिख रहा है कोसी लीनियर दिख रहा है, पी ऑफ एक्स वाई पी इंटू पी ऑफ एक्स वाई क्यू इंटू कैपिटल क्यू ऑफ एक्स वाई जेड इंटू क्यू होता है इक्वल टू आर ऑफ एक्स वाई जेड होता है। तो क्या दिख रहा है भैया कोसी लीनियर जैसा दिख रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा इस जो ये लिखा हुआ है अगर थोड़ा इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखें मैट्रिक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें तो देखिए हम इसको कुछ ऐसा लिख देंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या था, इसमें हमारे पास था कैपिटल पी एक्स वाई जेड इंटू स्मॉल पी कैपिटल क्यू ऑफ एक्स वाई जेड इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर एक्स वाई जेड, कुछ इस टाइप से था है ना उसके पहले हमारे पास फंक्शन जो भी आ रहा था। तो अगर मैं यहाँ से पी जो आ रहा था स्मॉल पी तो पी को ऐसे लिखता हूँ और इसके अंदर की जो वैल्यू था ऐसे मैं कर देता हूँ कि यू वाई यू एक्स और वी वाई वी एक्स वी जेड कर देता हूँ, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे वही आ जाएगा। क्यू वाले में भी ऐसे कर दो, यहाँ पर वी एक्स वी जेड सही है वी एक्स वी जेड यू एक्स यू जेड है ना, और उसको भी माइनस शिफ्ट कर दो लेफ्ट में इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा यू एक्स वी वाई वी एक्स, आपके पास क्या था यू एक्स वी वाई था ठीक है, और वी एक्स यू एक्स ये यहाँ पर यू था वी एक्स यू वाई था ठीक है इक्वल टू जीरो। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई करो तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पी क्यू यहाँ पर वन है तो माइनस वन, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यू एक्स यू वाई यू जेड वी एक्स वी वाई वी जेड इज इक्वल टू जीरो। अगर हमें चेक करना होगा कि एलिमिनेशन ऑफ आर्बिटेरी फंक्शन हमें देखना होगा तो हम इसी डिटर्मिनेंट का यूज कर लेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू माइनस वन यू एक्स यू वाई यू जेड वी एक्स वी वाई वी जेड इज इक्वल टू क्या आ जाए जीरो आ जाए है ना। जैसे अब क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा, ये समझ में आ गया होगा। अब आप देखो यहाँ पर पी और इसको लोगे तो ये वाला आ जाएगा, देखो यू वाई वी जेड और यू यहाँ पर है ना यहाँ पर जेड आना चाहिए ठीक है यू वाई वी जेड है ना यू वाई वी जेड और वी वाई यू जेड ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू वाले को ले को देख लो, यहाँ से क्यू वाले को जैसे लोगे आपके पास क्या आएगा यू एक्स
नेगेटिव वाले को इधर कर लेना, है ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यू एक्स वी एक्स यू जेड माइनस का यू एक्स वी जेड, ठीक है, तो दैट इज सिंपल आ जाएगा सारा, ठीक है। अब क्वेश्चन से समझते हैं, देखिए क्वेश्चन है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस का वाई कामा एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, ऐसे ही टाइप का था, है ना, और हमें यहाँ पर ऐसे क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आपने देखा कि कैपिटल का एफ ऑफ यू कामा वी टाइप का है, और यू जो होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा, और वी जो होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, जेड जो होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, दैट इज सिंपल, क्लियर है। तो अगर इसके सोल्यूशंस की भैया बात करें, इसके सोल्यूशंस के लिए हम लोग करेंगे क्या, अगर हमें इसका सोल्यूशन ना फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सा लॉजिक से कि आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकाल दो, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऊपर क्या था, पी था, क्यू था, माइनस वन था, यू एक्स यू वाई यू जेड था, तो यू एक्स क्या था, है ना, इसका क्या करोगे, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, है ना, वन आ जाएगा, है ना, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे, यू का पहले कर दो, ये क्या है, ये आपके पास यू है और ये आपके पास वी है, तो पहले यू वाले का कर दो, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया वन आएगा, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई किया वन आएगा, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे जीरो आ जाएगा, सही है भैया, वी वाले का कर दो, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे वन आएगा, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे जीरो, पार्शियल विद रिस्पेक्ट माइनस वन आ जाएगा, सही है। अब आप इसका फाइंड आउट कर लो, देख दो क्या वैल्यू आती है, इज इक्वल टू क्या करना है हमें, जीरो कर देना है, इक्वल टू जीरो कर लेना है, और यहाँ से इसको फाइंड आउट करना है, तो पी लोगे, तो पी जैसे लोगे माइनस वन माइनस, तो माइनस वन माइनस का जीरो करोगे, माइनस का क्यों लोगे, चूंकि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, माइनस क्यों लोगे तो माइनस का वन, फिर माइनस का जीरो आ जाएगा, फिर माइनस का वन लोगे तो दैट इज जीरो माइनस का वन आ जाएगा, इक्वल टू जीरो, यहाँ से आएगा माइनस का पी, यहाँ से आएगा प्लस का क्यू, यहाँ से आएगा प्लस का वन, दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, दिस इज अ फाइनल आंसर, ये था फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर हम लोग अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कैपिटल एफ, आप यहाँ पर एक्स वाई जेड तीन फंक्शन है, एफ एक्स वाई जेड तीनों का है, और आपके पास दूसरा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है। तो चलो भैया देख लेते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल सा है, पहले आप क्या करते हैं, इसके सोल्यूशंस हम लोग निकाल लेते हैं, सोल्यूशंस देख लेते हैं। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म से ही निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट लिखेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे, ये क्या है, ये यू है, ये क्या है, ये वी है, यू का करना, ये आपके पास यहाँ पी होता, यहाँ क्यू होता, यहाँ माइनस वन होता, यू का करना एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल वन, वाई के रिस्पेक्ट में वन, जेड के रिस्पेक्ट में वन, इससे करोगे टू एक्स, इससे करोगे टू वाई, इससे करोगे टू जेड, सही है। सिंप्लीफाई कर लो, पी को लोगे तो आपके पास आएगा टू जेड माइनस का टू वाई, माइनस का क्यू लोगे तो आपके पास आएगा कि टू जेड माइनस का टू एक्स प्लस, है ना, माइनस का वन लोगे तो जैसे आप माइनस का वन लोगे आपके पास भैया क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा जैसे लोगे टू वाई माइनस का टू एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज योर फाइनल आंसर। या फिर दूसरा सेकेंड मेथड इसका है, सेकेंड मेथड, कभी कभी इस मेथड से नहीं हो पाता, तो सेकेंड मेथड क्या है कि हमारे पास फंक्शंस क्या था, कैपिटल एफ ऑफ यू कामा वी क्या था, जीरो था, है ना, तो यू जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ वी होगा, और वी जो होगा वो फंक्शन ऑफ यू होगा, यू इज कोड एफ ऑफ वी और वी इज कोड एफ ऑफ यू, ठीक है। अब सेकेंड का अगर सोल्यूशन देखना है तो आप क्या करोगे, तो अगर मान लीजिए हमें सोल्यूशन देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें यही टाइप सेकेंड मेथड क्या है, एफ ऑफ यू कामा वी है तो यू इज कोड फंक्शन ऑफ वी लिखना है और वी इज कोड फंक्शन ऑफ यू, इस टाइप का करना है, ठीक है। जैसे भी क्वेश्चन से समझते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास
कि कैपिटल एफ जेड ई की पावर माइनस का एक्स वाई कामा एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू जीरो है। सही है, यह है क्वेश्चंस। अब देखो मैंने क्या बताया कि आपके पास ये क्या है, ये कैपिटल एफ ऑफ यू कामा वी इज इक्वल टू जीरो टाइप का है ना। तो आपने जैसे देखा तो मैंने क्या कहा था कि आपके पास ये बेसिकली होता क्या, ये यू है ये वी है ना। ये क्या है जेड ई की पावर माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू आपको क्या करना है एफ ऑफ वी कर देना है। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स कामा वाई कर दे, एक्स माइनस का वाई कर लेना है। फिर यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकलेगी, तो ई की पावर एक्स वाई कैपिटल एफ एक्स माइनस का वाई आएगा। सही है भैया। अब यहाँ से अगर आप इसका पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये पी हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स वाई आएगा, और जैसे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे यहाँ पर वाई है ना, ई की पावर एक्स वाई है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स कामा एक्स माइनस का वाई है। तो आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा यहाँ से ए की पावर एक्स वाई है ना, और आप क्या करोगे यहाँ से ये आपके पास हो जाएगा एफ बार एक्स माइनस का वाई आ जाएगा। सही है, इसको फर्स्ट बना लो। अभी और आपको करना है इसमें, चूंकि फर्स्ट और सेकंड से करेंगे देखिए कुछ ऐसा आ जाएगा, एक मिनट। जब आप इसको किया x के रिस्पेक्ट में इसको फिक्स बनाया, इसको सेकंड मान लीजिए बनाया, फर्स्ट को एज इट इज सेकंड का किया और x के रिस्पेक्ट में किया y वाला जीरो हो गया, फिर आपको प्लस लगाना पड़ेगा है ना। और आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से अभी कि f ऑफ x कामा वाई हो जाएगा, x माइनस का वाई आएगा और e की पावर एक्स वाई, और एक्स वाई का जब आप करोगे तो वाई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखोगे तो आपके पास आएगा ई की पावर एक्स वाई एफ डैश एक्स माइनस का वाई प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स वाई इंटू वाई कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस का वाई। सही है भैया। चलो ये पी आ गया, अब चाहो तो इसको फर्स्ट मान लो है ना। अभी क्यू के रिस्पेक्ट अगर आप करते हो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हो तो क्या है यहाँ पर क्यू आ जाएगा, और जैसे यहाँ पर क्यू आएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको फर्स्ट सेकंड से फिर से करोगे तो फर्स्ट को एज इट इज अभी रख दो, इसको आप फर्स्ट को एज इट इज लिख दो तो ई की पावर एक्स वाई, सेकेंड का करोगे तो आपके पास एफ डैश एक्स माइनस का वाई, और वाई एक्स माइनस वाई का करोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट को एज इट इज रखो, सेकंड का कर दो, फर्स्ट का एज इट इज रखा सेकंड का किया था, आप क्या करोगे सेकंड को एज इट इज करना एक्स माइनस वाई को, और फर्स्ट का करोगे तो की पावर एक्स वाई इंटू वाई आ जाएगा है ना भैया। सही है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको और अच्छे से करोगे तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस का वाई वाई टाइम ए की पावर एक्स वाई माइनस का ए की पावर एक्स वाई एफ डैश एक्स माइनस का वाई, ये क्यू हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। सही है, चलो अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये Q है और ये P है। यहाँ पर अगर आप कुछ करते हैं तो देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा, अगर आप एडिशंस करते हैं तो देख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड करता हूँ तो फर्स्ट सेकंड e की पावर एक्स वाई एफ डैश एक्स माइनस का वाई, ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ऐड करते हो तो देखते हैं क्या आता है, वी गेट ये P है, P प्लस का Q हो जाएगा, और ये आप जैसे इसमें ऐड करोगे या फिर ऐसा कर लेते हैं, एक मिनट ऐसा लिख लेते हैं, दोनों साथ में लिख देते हैं,
पी वाला आपके पास क्या है, पी वाला ये है, तो एफ डैश है ना एफ ऑफ एक्स माइनस का वाई, वाई टाइम ए की पावर एक्स वाई और प्लस का ए की पावर एक्स वाई एफ डैश एक्स माइनस का वाई, और क्यू वाला आपके पास क्या है, यह है एफ ऑफ एक्स कामा वाई एक्स माइनस का वाई और वाई टाइम ए की पावर एक्स वाई है ना, और यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, माइनस का ए की पावर एक्स वाई एफ डैश एक्स माइनस का वाई। तो दैट इज अच्छा, किसी एक में एक्स आना चाहिए था, जब मैंने इसको पार्शियल वाई के रिस्पेक्ट में किया तो वाई के रिस्पेक्ट, अच्छा यहाँ पर एक्स आना चाहिए, दैट इज सिंपल, यहाँ पर एक्स आना चाहिए, यहाँ एक्स कर लीजिए, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये आपको देखो दोनों सेम है, कट जाएंगे और ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस का वाई और ए की पावर एक्स वाई कामन हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्या बचेगा इसमें, जैसे आप कामन करोगे तो एक्स उसमें वाई बचेगा है ना, और आपके पास एफ ऑफ ए की पावर एक्स वाई को हमने जेड लिया था है ना, इसके स्थान पे हम जेड रख सकते हैं, तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे जेड हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपके पास जेड, और ये आपके पास है एक्स प्लस का वाई, ये कुछ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो p प्लस का q, अगर चाहो तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, और ये आपके पास इसको क्या लिख सकते हो p, तो थोड़ा सा उसमें शायद डिफरेंशिएशन में मिस्टेक था, बट ये फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो मेरे आंसर में मिस्टेक था, बट ये आंसर सही होगा, इसको चेक कर लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्योंकि हमें ए और बी को एलिमिनेट करना था है ना, यहाँ पर हमारे पास जो भी था हम क्या करते थे, यहाँ पर एलिमिनेशन फंक्शंस की बात करते हैं, तो एलिमिनेट करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस का एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज जैसे अपन इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास है ना, तो हम क्या करते हैं, जो भी है आपके पास, आपके पास क्या है, इसको हम यहाँ पर क्या है, हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अगर हम पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये पी आ जाएगा और यहाँ पर वाई आ जाएगा, ये आपके पास क्या होगा एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई होगा, और फिर आपके पास टू एक्स आ जाएगा, और जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्यू आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू वाई आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसमें एक्स इसमें वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाले में हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जैसे हम लोग इसको ऐसा कुछ करते हैं, और इसको करने के बाद आपके पास क्या करते हैं, हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको अगर फर्स्ट बनाएं इसको सेकंड, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं वी गेट, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा पी वाई, ये हो जाएगा माइनस का क्यू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जैसे यहाँ पर वाई का मल्टीप्लाई करोगे इसमें एक्स दोनों सेम है कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा पी वाई माइनस का क्यू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, सही है, तो दिस इज अ फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमें क्या करना, फंक्शंस को हटाना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस है कि जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस का वाई बाई जेड है। अब आप इसको करना है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो पी आएगा, और ये आपके पास हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस का वाई बाई टू हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, है ना। सॉरी, यहाँ पर एक्स माइनस वाई नहीं है, ये आपके पास है एक्स वाई। अब आप इसको करिए, एक्स वाई बाई जेड है। एक मिनट, इसको फिर से इरेज कर देते हैं। नीचे वाला भी जेड है, टू नहीं है। तो यहाँ से कि पी आ जाएगा, और ये आपके पास होगा एफ डैश एक्स वाई बाई जेड, और फिर इसको फर्स्ट और सेकंड नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से करना पड़ेगा। तो जब आप इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से करोगे तो डिनोमिनेटर्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर एक्स हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स वाई इंटू पी आ जाएगा, ये जेड के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। तो पी आ जाएगा एक्स वाई इंटू पी, सही है। सिर्फ सेकेंड से क्यू के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स वाई अब वाई जेड आएगा। फिर से आपके पास इधर आ जाएगा जेड स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो इधर आपके पास एक्स जेड आ जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ क्यू आ जाएगा, सही है भैया। हम क्या करते हैं, फर्स्ट ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे डिवाइड करोगे कट जाएगा, तो पी वाई क्यू इज इक्वल टू, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड वाई माइनस का एक्स वाई पी अपान में जेड स्क्वायर, नीचे भी अपने पास एक्स जेड माइनस का एक्स वाई क्यू अपान में जेड स्क्वायर, है ना भैया। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पर भी, और क्या आ जाएगा आपके पास, पी वाई क्यू इज इक्वल टू जेड वाई माइनस का एक्स वाई पी अपान में क्या आएगा, एक्स जेड माइनस का एक्स वाई क्यू। अब चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स जेड पी माइनस का एक्स वाई पी क्यू इज इक्वल टू जेड वाई क्यू माइनस का एक्स वाई पी क्यू। एक्स वाई पी क्यू, एक्स वाई पी क्यू दोनों तरफ है, कट जाएगा, यहाँ से आ गया आपके पास एक्स जेड पी माइनस का जेड वाई क्यू, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स जेड पी माइनस का वाई जेड क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हम लोग कुछ नोट्स पॉइंट्स लिखेंगे। नोट्स है, पहला आपके पास कि बाय इलेमिनेटिंग ऑर्बिटेरी फंक्शन आर्बिट्री फंक्शन वी विल ऑलवेज गेट अ कोसीलिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। By eliminating arbitrary function, we will always get a quasi-linear partial differential equation. ठीक है। Second point है कि if the given equation contain arbitrary arbitrary function, then elimination of
these functions gives to partial differential equation of order n. The given equation contain arbitrary function, then elimination of these functions gives to the partial differential equation of order n. नेक्स्ट हमारे पास है कि नंबर ऑफ आर्बिटेरी फंक्शन इन इक्वेशन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ करिस्पोंडिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो ये तीन पॉइंट थे और हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि गेट में पूछा गया है. क्या है क्वेश्चन? कि यू ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ई की पावर वाई प्लस का जी ऑफ वाई स्क्वायर कॉस वाई देन करिस्पॉन्डिंग पूछ रहा है पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज. ठीक है, आपको यहां पर है यू एक्स वाई एक्स वी एक्स एक्स इज इक्वल टू यू एक्स. सेकेंड है आपके पास कि यू एक्स वाई प्लस का एक्स टाइम यू एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स यू एक्स. ठीक है, थर्ड है आपके पास यू एक्स वाई माइनस का एक्स यू एक्स एक्स इज इक्वल टू यू एक्स. फोर्थ ऑप्शन है यू एक्स वाई इज इक्वल टू यू एक्स वाई माइनस का एक्स यू एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स यू एक्स. चार ऑप्शन हैं, चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे. तो सबसे पहले आपके पास हम लोग जाते हैं इसका पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आएगा यू एक्स, इधर आएगा एफ डैश एक्स ई की पावर वाई. फिर आपको चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा ई की पावर वाई आएगा, बाकी इधर तो एक्स का कोई टर्म नहीं है, जीरो मिल जाएगा. सही है, फिर अगेन इसको एक्स एक्स करते हैं तो आपके पास क्या होगा डबल एक्स बार आ जाएगा, यहाँ पर आएगा एक्स ई की पावर वाई आएगा, है ना. और क्या आ जाएगा आपके पास जब आप करेंगे, ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा ए की पावर वाई, है ना, चूंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ए की पावर वाई एक और आ जाएगा तो ए की पावर टू वाई आ जाएगा. सही है भैया. फिर हमारे पास यहाँ पर आएगा इसको हम एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में भी कर लेते हैं, एक्स वाई कर लेते हैं. तो जैसे अपन करेंगे एक्स वाई तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो ये एक्स है इसको वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये सबसे पहले एफ डबल डैश एक्स ई की पावर वाई आएगा, है ना, और यहाँ पर ई की पावर वाई तो रहेगा. सही है, या फिर ऐसा कर सकते हैं इसको फर्स्ट बना लो इसको सेकेंड बना लो. इसको अगर फर्स्ट बनाओगे तो फर्स्ट एज बार, इसका करोगे तो एज इट इज रहेगा. फिर सेकेंड ई की पावर वाई करोगे, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स ए की पावर वाई इंटू ए की पावर वाई आ जाएगा तो टू वाई आ जाएगा. सही है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि की पावर टू वाई एफ डबल बार आ जाएगा एक्स ए की पावर वाई प्लस का सिंगल बार एक्स ई की पावर वाई इंटू ए की पावर वाई. ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया यू एक्स वाई आ गया. अब देख लो, कंपेयर कर लो, हमने यू एक्स एस निकाल दिया यू एक्स वाई निकाल दिया, अब देख लो क्या आता है.
अगर आप थर्ड वाले को देखो, तो अगर यू एक्स वाई में से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं एक्स टाइम करके इसको, तो अगर आप इसमें से माइनस करोगे एक्स टाइम करके, तो देखो क्या आता है, जैसे आप यू एक्स वाई माइनस का एक्स टाइम यू एक्स एक्स करोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये क्या है आपके पास, e पावर टू वाई एफ डबल बार एक्स e की पावर वाई प्लस का एफ बार एक्स e की पावर वाई, इसमें से x से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का x और क्या आ जाएगा यहाँ से x से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे आपने x से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला यहाँ से, x f डबल बार x e की पावर टू वाई, ठीक है भैया, यही मिला ना, इज इक्वल टू अगर आप निकालोगे तो आपको मिलना क्या चाहिए, ये आना चाहिए, यू एक्स वाई, इसको अगर राइट में भी शिफ्ट करोगे तो यू एक्स के इक्वल आना चाहिए, ये है क्या आपके पास, ए की पावर टू एक्स, एक मिनट यहाँ पर कुछ मिस्टेक है मेरे को लग रहा है, यू एक्स एक्स आपने किया डबल टाइम एफ डबल बार हो गया, हाँ ठीक है, और ए की पावर टू वाई आ गया, है ना, और इसमें आपने क्या किया, इसको आपने y के रिस्पेक्ट में किया, जैसे आपने इसको y के रिस्पेक्ट में, ये सिंगल टाइम आएगा और e की पावर y एज इट इज रहेगा, e की पावर y का e की पावर y आ जाएगा, और यहाँ से e की पावर y को आपने किया, इसका f डबल बार आएगा, फिर यहाँ से आपने y को किया, तो क्या आपने y के रिस्पेक्ट में किया है ना, तो e की पावर y का तो y आएगा और यहाँ पर x भी आएगा, सही है, यहाँ पर x रहेगा, तो जब आप यहाँ पर x लिखोगे तो देखोगे आपको कुछ टर्म कैंसिल आउट, ये वाला भैया और ये वाला भैया कट जाएंगे, यहाँ से आएगा यू एक्स वाई माइनस का x यू एक्स एक्स इज इक्वल टू एफ बार एक्स ए की पावर वाई इंटू ए की पावर, ये बेसिकली है क्या, ये यू एक्स लिखा हुआ है, ये हो जाएगा यू एक्स, ये हो जाएगा यू एक्स वाई माइनस का एक्स यू एक्स एक्स, इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ से आएगा यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स यू एक्स एक्स प्लस का यू एक्स, है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, तो देख लो, या फिर इसको इतने पर ही रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या यू एक्स वाई माइनस का एक्स इज इक्वल टू यू एक्स आ गया ना, दिस इज अ राइट आंसर, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो ओके, या फिर अपन कहें तो कोई क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, या फिर छोड़े जाने दीजिए, ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।